नीट यूजी 2024 के परीक्षा परिणाम में तमाम तरह की विसंगतियों का मामला पिछले चार दिन से तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर के शनिवार दोपहर केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उनके साथ मंत्रालय के अन्य पदाधिकारी सुबोध कुमार सिंह और शेफाली बी शरण भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रालय के पदाधिकारी ने कहा कि रिजल्ट को लेकर के सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर भी कई तरह की खबरें चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो शिकायतें हैं वह सिर्फ 6 सेंटर पे हैं, यानी कि 1563 छात्रों के नंबरों को लेकर है। इसको देखते हुए हमने जो आपको बता दें कि हमने जो शेड्यूल और जो कमेटी बनाई है, GRC बनाई है ये कमेटी, और इसके सिफारिश के आधार पर निर्णय लेने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कमेटी GRC की सिफारिश को देख करके उसे उस पर निर्णय लेगी। और संजय मूर्ति ने यह भी कहा कि हमारी समिति ने बैठक की और उन्होंने केंद्रों और CCTV के सभी विवरणों का अवलोकन किया है। उन्होंने पाया कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है और छात्रों को इसके लिए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। समिति ने सोचा कि वे शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा दे सकते हैं, इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में इस परीक्षा की सूचिता के समझौता नहीं किया जा सकता और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई है। They used all the details of the centers of the CCTV, and they found that sometime center wise there is a different like time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case ki if there is a this type of grievance ki time loss hota hai, to there is a formula and on that basis compensation can be given. So the committee thought ki this is the way we can like address the grievances. So